वेलकम गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज कुछ नए वीडियोस दिखाने वाला हूँ, आज गेम नहीं खेलने वाला हूँ मैं। तो आज हम देखने वाले हैं कैरी मिनाती ने जो रोस्ट किया था दीपक कलाल का, और दीपक कलाल ने फिर रोस्ट किया कैरी मिनाती को, तो वही वीडियोस देखने वाले हैं आज। देखते हैं, मज़ा आएगा। चलो गाइस स्टार्ट करता हूँ मैं। के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे अखंड भारत की जरूरत है। मुझे अब अखंड भारत की जरूरत है। जिन लोगों को नहीं पता ये कौन है, बड़े खुशकिस्मत हो यार तुम लोग। ये वकांडा का अस्त्र पंछी है जो एक रात सबके पेट में बदहजमी मचा के वहां से भाग आया था। अब ये प्राणी कश्मीर और गोवा में पाया जाता है, तो इसलिए आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। बकचोदी तो होगी कश्मीर की। एक सुअर को कितना ही सजा लो वो मोर नहीं बन जाएगा। छेनी जैसी शक्ल है, भला अजय देवगन भी पान मसाला ना थूके इसके मुंह पे। कश्मीर की कली। बच्चे बच्चे रिश्ते मुझे आए, बहुत बच्चे बच्चे आए मुझे, बहुत बड़े बड़े रिश्ते आए। से एक रिश्ता आया अफ्रीकन गैंडे की तरफ से। उसे दहेज नहीं चाहिए, बस दुल्हन को नीम के पत्ते के साथ नंगा भेज दो, बच्चों को माँ का प्यार और दूध मिल जाएगा, बाकी जिंदगी तो मौज है यार। दूल्हे की गांड फटी पड़ी है, उसे पता है हर रात इस डांस को पुछता खुजली होती है। अब कौन शांत करेगा उसे? थक गया हूँ मैं ये प्यार से, चाहता हूँ कि कोई ऐसा मर्द मिले जो मुझे तह। यार सही बताऊँ, बहुत गजब वीडियो है यार, बहुत गजब। अभी से फील आ रहा है कि बहुत गजब वीडियो है यार। स्नेह करते हैं। सबसे पहले इस देश में यही काम होना चाहिए, कोई इससे तहस नहस करो। अरे ऐसे कौन बोलता है यार? यार भाई भोसड़ी के सुन यार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तहस नहस कर दे। सच में रुक जा यार, कर दे तहस नहस। कौन है ऐसा जो शरेआम मेरे ऊपर अत्याचार करेगा? कौन है ऐसा जो इस ब्यूटी बोन को दबा दबा कर अंदर घुसेड़ देगा? मुझे प्यार चाहिए या फिर मार, पहले ही फैसला कर ले। ये 50 Shades ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? मुझे किसी जाट की जरूरत है, वो रोहतक का होना चाहिए, भिवानी का होना चाहिए, वो कोई हरियाणवी होना चाहिए, पंजाबी होना चाहिए। जाट की जाट नहीं मिलेगी तुझे, इसे ना राष्ट्र पशु केंद्र भेज देना चाहिए, ऐसे खुले में ये ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाएगा। मैं बहुत दुखा हूँ फैंस, कौन है वो मद्रासी जो रगड़ रगड़ कर मेरे इस तन बदन को डोसा बना देगा? बस ये तो सुनना रह गया था, ऐसा ही है। जब ये उदास होता है तो मोटर पे बैठ के वाइब्रेट होता है, और जब ये खुश होता है तो वादियों की तरफ देख के चिल्लाता है, मैं हूँ घटोत्कच, मेरी मैया ने मुझे पाला। वो बंगाली जो मुझे तो बड़े बड़े रसीले रसगुल्ले मेरे मुंह में ठूस देगा। टट्टे चाहिए ना, टट्टे चाहिए ना, टट्टे है टट्टे। शर्मा मत, शर्मा, टट्टे चाहिए ना। इससे घंट चूतिया इंसान नहीं देखा मैंने आज तक। वो पंजाबी जो मेरे मुंह में खट्टी लस्सी की पिचकारी मारेगा, खट्टी लस्सी की पिचकारी मारेगा। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस आसमानी लंड को खट्टी लस्सी की पिचकारी दी जाए, और याद रहे वो एक पंजाबी की। इसको वायरल मत करो। अबे तेरी MMS थोड़ी ना लीक हुई है जिसको देख के कह रहा है इसको वायरल मत करो। कोई नहीं करेगा, किसी को शौक नहीं है तेरे पिलपिले सुअर जैसा शरीर देखने का। मैं एक मर्द हूँ,
सच्चा मर्द। अजी लौड़ा। लौड़ा एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो नौकरी ले ले उसमें जाके, बताओ बे चुप कंपनी बना दी। बहुत पंजाबी लड़के आए मेरी जिंदगी में, पीछे से बल्ले बल्ले करके चले गए। क्या करके चले गए? बल्ले बल्ले करके चले गए। ये तो अलग ही चुदम पट्टी मचा रहा है। अगर ऐसे पल्ले पल्ले कर रहे हो तो भंगड़ा कैसे पाएंगे? भंगड़ा बाकी चलेगा। पहलकिलन, अरे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चूतिए गहरे, लेकिन ये मेरी सहन शक्ति के पार जा रहा है। बहुत से लोग आए और मेरे पीछे भंगड़ा बाकी चलेगा, लेकिन दीपक ऐसा मर्द है। मैं दिखाता हूँ कैसा मर्द है। भगवान से डर भोसड़ी के। ये देखो ये गाय होती है और यही हमें दूध देती है। ये गाय को चूचिया होती है। चूचिया? चूचिया, ये एक ऐसी बीमारी का नाम लग रहा है जिसमें पूरे शरीर पे चूचे उड़ जाते हैं। हाथ पे चूचे, पैर पे चूचे, गर्दन पे चूचे, पीठ पे चूचे, चूचों के दो आगे चूचे, चूचों के दो पीछे चूचे। बोलो कितने चूचे? चूचिया। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आज से 9 महीने पहले विराट कोहली ने 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से एक छक्का मारा था और वो बॉल सीधे स्पिन होके गई इसकी खुंड में। अब आगे विराट कोहली, तुम तो राती रंगीन करके चले गए, लेकिन दीपक कलाम प्रेग्नेंट हो गया है और अब ये 9 महीने मुझे चल रहा है। मार रहा है क्योंकि उसे कैसे भी करके वहां से बाहर निकलना है। उसकी हालत एक तिहाड़ जेल के कैदी जैसी हो गई है। ना खाने को मिलता, ना पीने को मिलता है, मिलता है तो बस खट्टी लस्सी की पिचकारी। डांट कोहली, तुम दीपक कलाल को छोड़कर चले गए, लेकिन हमारा ये जो बच्चा है, ये पैदा किया इसने, इंसान के रूप में शैतान है ये। बकरियों को जाके कहता है बकरी मुझे अंडा दो, कश्मीर की नदियों को देख कर कहता है लव यू लवड़ा। अगर आप वर्जिन हैं तो दीपक कलाल आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और मेरा पर्सनल फेवरेट, कैन यू टेल अस हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स? बस हो गया आज का। अगर मैंने इसकी शक्ल एक और बार देख ली तो मैं बौखला जाऊंगा, तो इसलिए अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस पे और भी। तो गाइस ये था कैरी मिनाती का द परफेक्ट ब्राइड। बहुत ज़बरदस्त वीडियो था यार, क्या बताऊँ, कुछ यानी कुछ बोल ही नहीं सकते। बहुत गजब वीडियो था यार, सही में लाइक तो बनता है। अब उसका देखते हैं, एक मिनट। दीपक कलाल ये है कैरी मिनाती रिएक्ट? नहीं नहीं नहीं, ये तो उसके बाद का है। ये देख रहे हो कैरी मिनाटी द परफेक्ट बेंचोद। चलो वीडियो देखते हैं। सॉरी एक मिनट। ये जो कैरी मिनाटी है, ये भले ही इंडिया का सबसे अमीर पोस्टर है, यूट्यूबर है, लेकिन ये कैरी मिनाटी अच्छा नहीं है। फैंस, मैं एक कश्मीर की गली हूँ और ये हवस के दरिंदे कैरी मिनाटी ने मुझे कुचलने की कोशिश की। फैंस,
रोस्टिंग के बहाने ये कैरी मिनाची ने मुझे दिल्ली में उसके हवेली पे बुलाया और उसने मेरे साथ कुछ कुछ करने की कोशिश की, जिसको समाज शारीरिक शोषण कहता है। बैंक्स, ये कैरी मिनाची हवस का वो दरिंदा है जिससे बच पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारा रोस्ट करो, उसका हमें मलाल नहीं है, लेकिन हमारा है जिस्म है, उसकी इज्जत करो। कैरी मिनाची, तुम्हारे घर में सिखाया नहीं है कि बड़ों बूढ़ों की कैसे इज्जत करते हैं? मैं एक मिनट, ये इज्जत की बात कर रहा है ये इज्जत की बात कर रहा है। बहुत दूध का धुला हूँ कैरी मिनाची, मेरी इज्जत करो, क्योंकि मैं अभी 45 इयर्स का हूँ। बड़े बूढ़ों की इज्जत करो कैरी मिनाची, क्योंकि मैं वर्जिन हूँ। फैंस, मुझे पता है कि जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं उसमें ये हंगामा हो जाएगा, ये इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगी, लेकिन मैंने सोचा कि इस बेकिंग चौथ दरिंदे कैरी मिनाची के बारे में मैं पूरे समाज में मेरी सच्चाई बता दूं। फैंस, मैं मानता हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ। सच्चाई पता चल चुकी है सर, सच्चाई पता चल चुकी है आपकी। कश्मीर की कली, लेकिन मुझ जैसे खूबसूरत गुलाब को इस तरह से कुचलना लाजमी है। कैरी मिनाची, जिंदगी में मैंने बहुत मेहनत की है, चारों दिशा से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, और कई बार मैंने पीछे से भी मेहनत की। कौन सी मेहनत की बात कर रहा है यार ये? लेकिन वो मेहनत मैं बेडरूम में नहीं करना चाहता, जिंदगी में करना चाहता। जिसने चुली खटिया वो इंसान खटिया। कैरी मिनाची, मैं मेहनत करूंगा लेकिन पलंग तो नहीं, जी जान मेहनत करूंगा और बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा। कैरी मिनाची, तुमने जो मेरे साथ किया है वो मेरे चरित्र को कभी लांछन नहीं लगा सकता है, मेरे कैरेक्टर को बच्चा नहीं लगा सकता है, लेकिन पूरा समाज तुम्हें दरिंदा कहेगा, बहुत बहुत ही हवस का दरिंदा है ये कैरी मिनाची। माय गॉड, ये कैरी तो नहीं आ गया? बचाओ फैंस, कैरी कुछ गुस्सा न दे। जरा लाइक्स के तरफ देखो, 1.7 के लाइक्स और 7.5 के डिसलाइक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी इसके सब्सक्राइबर इसी को डिसलाइक दे रहे हैं। यार तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। मैं वैसे तो गेम खेलता रहता हूँ यार, गेम की वीडियो बनाता हूँ, पर मैंने सोचा यार आज कुछ दिखा दूँ नया, तो यही है गाइस बस। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऑफकोर्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कैरी मिनाती के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं वहाँ पर। बस आज के लिए बस इतना ही गाइस, चलो बाय।